मुकामी न्यूज़ पोर्टल द कश्मीर प्लस ने आज जिला इंतजाम पुलवामा के इश्तराक से वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के मौके पर टाउन हॉल पुलवामा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में डीकोड फ्यूचर के बानी मिस्टर आदिल भट्ट समेत टी आर मुजफ्फर असिस्टेंट प्रोफेसर IUST अवंतीपुरा भी मौजूद रहे। म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा के सदर बिलाल अहमद और स्कूल के तलबा बिलखसूस केरियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन निवा ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सखानो तमा चोनी करामूसा। द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 2nd डिसंबर टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ड्राइव डिजिटल लिटरेसी इन अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। हमारी दुनियाई जिंदगी में कितना जरूरत है, कंप्यूटर से हम क्या हासिल कर सकते हैं और कंप्यूटर से हमारा काम जो है कितना तेजी से चल रहा है और किस रफ्तार से चल रहा है। कंप्यूटर जो आजकल की दुनिया में एक अहम हिस्सा हमारी जिंदगी में बन गया है। रिवोकेशंस द इंडियन एजुकेशन सेक्टर हैज विटनेस्ड अ स्लो शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैकग्राउंड क्लास सेटिंग्स। करियर डिसाइड करना है तो एक सबसे बिगेस्ट करियर जो अभी है ऑप्शन आपके पास वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑटोमेटिक हमें ट्रैफिक का बंदा होता था, जरूरत है आपको मुझे उसी की बात करनी चाहिए। आई शुड स्टार्ट विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है ना, जैसे आपका मॉडर्नाइजेशन हो गया उसमें। जी मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कश्मीर प्लस का, सकीना जी का, जिन्होंने यहाँ पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया कंप्यूटर लिटरेसी। तो इसकी एक नीड है, इस प्रोग्राम को चलाने की नीड है, क्योंकि आजकल के दौर में सारा टेक्निकली है, जो पुराने दौर में हो रहा था आजकल के दौर में वो नहीं हो रहा है। तो मैं इन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए से अवेयर किया है कि हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटर की अहमियत क्या होती है और कंप्यूटर कहाँ तक हमें ले जा सकता है। जैसे कि इसमें नरेंद्र मोदी जी का सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स भी इसमें मैंने थोड़ी बहुत इसमें ऐड की थी। तो हमारे यहाँ जो माइंड ऑन माई प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें भी हमने इसी चीज़ को लेके लोगों को अवेयर किया था कि सेंट्रल स्पॉन्सर आखिर होती क्या है और ये कंप्यूटर का दौर है, हमें इस कंप्यूटर की दौर में इसी लहजे में चलना ही होगा। तो मैं इन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुला के इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करा के इन बच्चों के साथ बात करने का जो मुझे मौका मिला है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो होने चाहिए और इनसे बच्चों को हमारे समाज को अवेयरनेस मिलती है किसी भी चीज़ को लेके। I'm Arju Shabir from Career Care Institute of Education School. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम बहुत थैंकफुल हैं कश्मीर प्लस के, जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट करा, कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी। मतलब कंप्यूटर एक ज़रूरत है हमारे लिए, बहुत कुछ सीखते हैं। चाहे फिर लॉकडाउन में हमें ऑफलाइन क्लासेस क्यों ना हो, हमें नहीं पता था मतलब कैसे कौन सी ऐप हमें यूज़ करनी है पढ़ने के लिए। एक तो हमारा टाइम भी बचा, दूसरा हमें बहुत इससे मतलब बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिली, जिससे हमने घर बैठे भी बहुत कुछ सीखा। मतलब नेटवर्क में भी इन्होंने बहुत मदद की हमें, हमारा टाइम भी बचा, हमारी नॉलेज भी बढ़ी। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको, कश्मीर प्लस को, जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट करके वो इतनी नॉलेज दी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम यहाँ टाउन हॉल पुलवामा में थे, यहाँ पे एक प्रोग्राम था, वर्कशॉप था कंप्यूटर लिटरेसी का, तो जहाँ पे कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कुछ गेस्ट्स भी थे। तो हमने बात की कंप्यूटर लिटरेसी की कितना ज़रूरी है, IT कंप्यूटर साइंस एंड कोडिंग। तो जो यंग स्टूडेंट्स हैं, कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम जो अर्ली 7th 8th से ही इनको पुश करें ऐसे फील्ड्स में जहाँ पे स्किल्स एक्वायर करेंगे, हासिल करेंगे, ताकि इनका मुस्तकबिल बेहतर हो और इनका फ्यूचर ब्राइट हो, ताकि कल को इंडिपेंडेंट हो जाए और अच्छे स्किल्स इनके पास होने चाहिए। थैंक यू।